अच्छा जी, एप्लीकेशन को रन करते हैं, npm रन डेव। मीन टाइम चैट जीपीटी से जो बेसिक हमने CSS लिखवाई है, क्योंकि CSS लिखने में टाइम ही लगना था, वो मैंने इसे लिखवा लिए, उसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये कुछ उसने CSS लिख के दिए। फोल्डर बनाएंगे स्टाइल्स, उसके अंदर हम बना लेते हैं फाइल buildmodule.css, और उसके अंदर ये वाली फाइल जो है वो पेस्ट कर देंगे। एक ये CSS फाइल बनाई है उसने, और एक ये वाली CSS क्रिएट मॉडल वाली, इसको बना लेते हैं। उसके बाद बिल लिस्ट वाली बना ली है, एंड पे एक और है क्रिएट बिल मॉडल, और ये हेडर वाली है, इसको भी बना लेते हैं। सही है। और उसके बाद इंडेक्स पेज में उसने सारा सेटअप करके दे दिया है, तो सिंपली हम पेज डॉट टी एस एक्स में जो भी कुछ हो रहा है उसको रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। और हमने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाना है, वो इधर ही बना लेते हैं कंपोनेंट्स, और उसमें बनाना है हेडर, बिल लिस्ट और क्रिएट बिल। तो एक फोल्डर बना लेते हैं हेडर, एक फोल्डर बना लेते हैं बिल लिस्ट, और एक बना लेते हैं क्रिएट बिल मॉडल। अच्छा जी, उसके बाद हेडर के अंदर कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हेडर डॉट टी एस एक्स, सॉरी जे एस एक्स आएगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बना रहे हैं। पेस्ट कर देंगे कोड, और इसका जो फाइल का मॉड्यूल वाला पाथ है वो डिफरेंट है मेरे ख्याल से, स्टाइल्स और हेडर, और बिल वाले में क्रिएट बिल वाला इधर था कंपोनेंट, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसका नाम क्रिएट बिल मॉडल डॉट जे एस एक्स पेस्ट करते हैं, और स्टाइल्स क्रिएट बिल मॉडल डॉट सी एस एस, रेस्ट इज गुड। और एक बिल लिस्ट वाला कंपोनेंट था उसको भी बना लेते हैं। पेस्ट करते हैं, और स्टाइल का फोल्डर चेंज करना है स्टाइल के साथ, बाकी चीज़ें सेम हैं। और पेज डॉट टी एस एक्स में ये चीज़ जो है वो चेंज करनी पड़ेगी,
सही है, लोकल होस्ट पे चलाएंगे। ये क्या आ रहा है? चल नहीं रहा है। अच्छा जी, ये कहाँ पे है? स्टिल मिस्टेक हो रही है क्योंकि इसके अंदर हेडर के अंदर हेडर फाइल है, बिल लिस्ट के अंदर बिल मॉडल है और यहाँ पे ग्रेड मॉडल के अंदर ग्रेड मॉडल है। अच्छा जी, किसके अंदर लगना है भला? ग्रेड मॉडल में लगना चाहिए क्योंकि उसमें हमने यूज़ किया होगा यूज़ स्टेट। ये नहीं वर्क कर रहा। CSS भी थोड़ी एडजस्ट कर दी है तो लेट्स सी। लेबल इज नॉट अ प्योर सिलेक्टर, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोकल क्लास। ऐसा क्यों कह रहा है? अभी एरर आ रहा है कि बिल लिस्ट और क्रिएट बिल, इस पे अभी हम थोड़ी लॉजिक लगा लेंगे बट इट्स प्रीटी मच गुड नाउ। सही है, लेकिन ये जो क्रिएट बिल है ये बिल लिस्ट से ऊपर शो होना चाहिए मुझे, है ना?
में भी थोड़ा मार्जिन होना चाहिए। हाँ सही है। और इसको चाहिए इज ओपन, अगर हम थ्रो करते हैं तो क्या करता है ये? ठीक है। और बटन का भी एक कंपोनेंट बनाना चाहिए हमें, क्योंकि बटन को हम क्लाइंट साइड रखेंगे ना, तो ये जो बटन चल रहा है ना, इसको हमें क्लाइंट साइड चलाना है, तो ये दोनों चीज़ें उसमें ले जाते हैं बटन डॉट JSX में। मेन पेज के अंदर हम सिंपली बटन कॉल कर देते हैं कंपोनेंट से। ठीक है, थोड़ा मैंने इसका फ्लो चेंज कर दिया। अब बटन के अंदर थोड़ा इसको यूज़ क्लाइंट बना लेते हैं, और उसके साथ ये फंक्शन कॉल कर लेते हैं यू स्टेट स्निपर इज ओपन। दैट इज ओपन डिफॉल्ट इज फॉल्स। और यहाँ से हमें यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है। अच्छा जी, कैंसिल नहीं वर्क कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा हम देख लेते हैं। ऑन बटन कैंसिल, कॉलिंग ऑन क्लोज। ऑन क्लोज हम पास कर रहे हैं उधर से या नहीं? तो इसकी वैल्यू को इज ओपन से उल्टा कर देना है। ठीक हो गया। तो क्रिएट बिल एंड गिल ऐप, फॉर्म में थोड़ी चीज़ें और ऐड कर लेते हैं मॉडल में, और वो क्या क्या होंगी? मे बी बिल में क्या क्या चीजें होती हैं? बिल कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नंबर, फिर कंज्यूमर नंबर, यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट्स, उसके बाद यूनिट
यूनिट्स कंज्यूम्ड हो गया, कंज्यूमर नेम हो गया, और किस डेट, किस मंथ का है, वो तो ऑटो जनरेट हो जाएगी, उसकी इनपुट नहीं चाहिए। और क्या होता है बिल में? टैक्स की वैल्यू इनपुट तो नहीं लेते नॉर्मली, इनपुट और क्या लेंगे हम? यूनिट कंज्यूम, किसका बिल जनरेट कर रहे हैं, कितने यूनिट उसने यूज किए हैं, एड्रेस कहाँ पे है वो, सही है, और उसका स्टेटस क्या है। तो कंज्यूमर वो कर सकते हैं, चलो इतने भी बहुत हैं अभी के लिए। अच्छा, अभी हमने टाइटल सेट किया था, और हमें क्या क्या चाहिए होगा इसके अंदर स्टेट में? यूनिट्स, टाइटल को भी चेंज करके हमने कंज्यूमर बोल दिया, और सेट टाइटल को सेट यूनिट्स, और क्या एड्रेस लिए, सेट एड्रेस, डेट बाय डिफॉल्ट उठा लेंगे ना जिस टाइम क्रिएट होगा। तो अब इधर इनपुट्स में डाल देते हैं, सेट टाइटल की जगह पे सेट कंज्यूमर नंबर, और सेट कंज्यूमर नंबर, यूनिट इनपुट की जगह पे सेट सेट यूनिट्स, और यहाँ पे भी यूनिट्स, यहाँ पे एड्रेस, और साथ में सेट एड्रेस, ठीक है। ये मल्टीपल इनपुट्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, तो ये ऐसे बिल शो हो रहा है। इसको इसके ऊपर मेरे ख्याल से उसने क्लास अप्लाई की है मॉडल की, तो टॉप लेफ्ट पैडिंग सही है, कंज्यूमर नंबर, यूनिट एड्रेस, स्टेटस पेड है या नहीं, वो हमारे पास डाटा क्रिएट हो जाएगा इसका। तो अभी हम एक डाटा सेट क्रिएट करके लिस्ट शो कर लेते हैं, और वो कैसे होगी, मेन होम पेज के ऊपर, और उसमें क्या होगा, बिल क्या क्या चीज़ें ली हैं हमने, इनपुट यूनिट्स कंज्यूमर नंबर और एड्रेस, स्टेटस और डेट सही है, और ये हम सेव करते हैं, जस्ट पेड शो कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि हमने इसको यहाँ पे टाइटल की जगह पे देना है
कंज्यूमर नंबर कंज्यूमर और उसके साथ और क्या था हमारे पास, यूनिट्स और एड्रेस। यूनिट्स एड्रेस स्टेटस टेबल बना लें, बनाना ही चाहिए था क्योंकि अभी आगे पीछे आ रहे हैं ना, इनके अलाइनमेंट सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट आज। अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई। अब अगर 2 आएंगे 3 आएंगे उस हिसाब से ये एडजस्ट होता जाएगा, नीचे को लिस्ट बन जाएगी और हम इधर से बिल को क्रिएट करेंगे। तो बेसिक एचटीएमएल हमने जो है ना वो सेटअप कर लिया अपनी बिल ऐप की। अब हम क्या करते हैं कि बेटर तो वैसे ये था कि इसको टेबल बना लेता, उसने ऐसे स्पैम में पता नहीं क्यों रखा है इसको। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है प्रिज्मा के साथ, इसका क्रड अप्लाई करना है, सही है? तो क्रड अप्लाई करने के लिए हमें डेफिनेटली प्रिज्मा को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो प्रिज्मा को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करनी है, प्रिज्मा गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा, एक तो उसका ये मॉडल करना है यूज़ हमें। तो सबसे पहले प्रिज्मा को इंस्टॉल करेंगे, तो मैंने npm इंस्टॉल प्रिज्मा कर लिया। यहाँ पे npm इंस्टॉल प्रिज्मा और फिर प्रिज्मा इनिट करना है जब ये कमांड चल जाएगी। अच्छा, अब ये साथ में प्रोवाइडर पूछ रहा है कि आप डेटाबेस कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम बोल देते हैं क्योंकि MongoDB हमने ऑलरेडी सेटअप की हुई है उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसने सेटअप कर दिया है MongoDB हमारे लिए, और अगर आप देखें तो प्रिज्मा के अंदर एक इधर इसने ऑटोमेटिकली जो मैंने कमांड चलाई है उससे इसने प्रिज्मा का फोल्डर ऑटोमेटिकली बना दिया, सही है, स्कीमा डॉट प्रिज्मा करके, और उसके अंदर इसने प्रोवाइडर लगा दिया है और एक ये लाइब्रेरी करके जनरेट कैसे करना है इसने कोड, वो इसने सिस्टम बना दिया है हमारे लिए। अब ये जो स्कीमा डॉट प्रिज्म है ये वो फाइल है जिसमें हमें स्कीमा डिफाइन करना है। हमें मोंगोज का भी स्कीमा डिफाइन किया था ना कि कौन सा कलेक्शन होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो सेम हमें इसका भी अगर कलेक्शन बनाने हैं तो इसके लिए इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये इसकी एक ही फाइल है, इसी में बस हमने कोड करते जाना है, डेट्स इट। और कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन हमें बनाने के लिए उसकी एक उसका क्लाइंट यूज़ करना है, वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्शन ही खुद से बना लेता है। वो कैसे, ये कहता है कि ENV के अंदर आपके पास डेटाबेस URL होना चाहिए, ये उसको यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट कर लेगा।
अब कल लास्ट टाइम हमने इस तरह का MongoDB URI था हमारे पास, हम उसी को यूज़ कर लेते हैं और इसके ENV में रख देते हैं। वो कैसे? यहाँ से एडिट स्ट्रिंग कॉपी एंड इसका ENV यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और ये मेरा डेटाबेस URL बन गया। इसका यही सेम ENV रखना है क्योंकि प्रिज्मा इसी ENV को यूज़ कर रहा है कनेक्शन बनाने के लिए, और ये कनेक्शन बैकग्राउंड में खुद ही बना लेता है। जिस तरह MongoDB का तो हमने कोड लिखा था ना कनेक्शन बनाने के लिए, प्रिज्मा ऑटोमेटिकली कनेक्शन बना लेता है बैकग्राउंड के अंदर ही, सही है। और उसके बाद जो स्कीमा है, जिस तरह उसका भी स्कीमा डिफाइन किया था। तीन ही चीज़ें होती हैं ना किसी भी ORM के अंदर, कनेक्शन कैसे बनेगा, स्कीमा क्या डिफाइन करना है और उसके फंक्शन क्या हैं जिसकी वजह से CRUD अप्लाई होना है। तो तीनों चीज़ें देख लेते हैं। अभी स्कीमा डिफाइन कैसे होगा, उसके लिए उसने जैसे ये यूज़र का स्कीमा डिफाइन किया है, हम इस तरह बिल्स का स्कीमा जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे उसने मॉडल उठाया है, उसकी टाइप वगैरह डिफाइन किए हैं, इधर से भी देख सकते हैं और ये भी डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है। इधर रिलेशनल डेटाबेस का थोड़ा बहुत चेंज है, उस बेस के ऊपर ये उसको चेंज कर रहा है, तो बेटर है कि हम यहाँ से इसको फॉलो कर लें। ये सारी चीज़ें इसने पोस्ट का बनाया है, तो हम पोस्ट की जगह बिल्स का बना लेते हैं, मॉडल और स्कीमा। अच्छा जी, मॉडल पोस्ट मतलब मॉडल बिल्स, ठीक है। उसमें आईडी ऑटो जनरेट होगी, वो हम यूं ही ऐसे यूज़ कर लेते हैं। टाइटल की जगह पे क्या हमने रखा था, कंज्यूमर नंबर, और कंटेंट की जगह पे एड्रेस, और ये चीज़ें नहीं होंगी, ऑथर आईडी भी नहीं होगी, पब्लिश भी नहीं होगा, और कंज्यूमर नेम की जगह पे अगर यूनिट्स आ जाएगा, और उसके बाद स्टेटस, और यूनिट जो है वो नंबर होना चाहिए। नंबर को ये कैसे शो कर रहा है, नहीं नंबर की भी कोई टाइप होनी चाहिए। अच्छा सेम ही है। अच्छा जी, फॉर्मेट किया तो कंज्यूमर नंबर, क्योंकि लेंथी हो सकता है, मे बी करेक्टर हो, इसलिए इसको स्ट्रिंग कंसीडर कर लिया। यून स्टेटस बोलियन होगा, और उसमें स्टेटस में होगा अगर उसने पेड कर दिया तो ट्रू है, अगर नहीं पेड किया तो हम उसको फॉल्स कंडीशन कर लेंगे। एड्रेस है वो ऑप्शनल रखा हुआ है, इसका मतलब ऑप्शनल। अच्छा ये बिल, ये पूरा इसका मॉडल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसकी एक हमारे पास URL है, प्रिज्मा मॉडल डेटा मॉडल रेफरेंस। इसके अंदर इसने सारे यूज केसेस टैकल किए हुए हैं, कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं, कौन कौन सी ऑप्शन है, और फिर आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो आप इधर करके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, अगर आप MongoDB यूज़ कर रहे हैं तो इधर करके देखेंगे। तो लाइक क्या टाइप कौन से डिफाइन करनी है, कलेक्शन तो डिफाइन करनी है ना, मॉडल आगे नाम आ जाएगा उसका, टाइप कैसे डिफाइन करनी है वो आप यहाँ से सारी रेफरेंस मौजूद है कि क्या क्या ऑप्शंस हैं टाइप डिफाइन करने में। तो
तो उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, लेकिन अभी पहले क्रड अप्लाई कर लें। तो हमने बिल्ड्स का एक टेबल बना लिया, उसमें ये चीज़ें डिफाइन कर दी। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है बिल का टेबल बनाने के बाद? किक स्टार्ट में क्या चीज़ें थी? आपने npm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट करना है। तो जिस तरह आपने पहले प्रिज्मा इंस्टॉल किया था, ऐसे प्रिज्मा क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद प्रिज्मा जनरेट की कमांड चलाएंगे। npx प्रिज्मा जनरेट, उसने प्रिज्मा जनरेट कर दिया है, और इसको यूज़ करने के लिए वो कह रहा है कि ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर लें, और इसको हम अपने पास ऐप में कन्फिग करके बना लेंगे फोल्डर, और उसमें प्रिज्मा डॉट js, और उसमें ये डिफाइन करके इसके साथ ही एक्सपोर्ट लगा देते हैं प्रिज्मा, ताकि ये हर जगह यूज़ किया जा सके। तो अभी तक हमने कितने स्टेप किए हैं? ये समझो कनेक्शन बन रहा है हमारा कन्फिग के अंदर, क्योंकि ये कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बना लेते हैं, हमने मैनुअली नहीं बनाना पड़ता। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप किए हैं उसको दोबारा मैं इधर राइट कर देता हूँ। सबसे पहली जो कमांड हमने लगाई है वो लगाई है npm install प्रिज्मा। आपको प्रिज्मा अपने लोकल लैपटॉप में लेके आना है, उसके लिए ये कमांड है। फिर अगेन आपने उससे अगली कमांड चला के, ये वाली कमांड जब चलाते हैं तो उस वक्त वो क्या करता है, ये फोल्डर बना देता है प्रिज्मा का, और उसमें स्कीमा डॉट प्रिज्मा की फाइल। अगर आप ये कमांड नहीं चलाएंगे, आपको फाइल मैनुअली बनानी पड़ेगी। तो उसने कमांड दी हुई है जो फाइल ऑटोमेटिकली बना देती है, तो इस कमांड को यूज़ करके हम फाइल बना लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसका क्लाइंट क्रिएट करने के लिए, कि क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए प्रिज्मा क्लाइंट। और उसके बाद प्रिज्मा जनरेट, जब भी आपने मॉडल में चेंजेस करने हैं आपको प्रिज्मा जनरेट करके कमांड चलानी है। सही है? तो ये स्टेप्स हैं जो मैंने सारे कमांड इंस्टॉल किए हैं। अच्छा, अभी तक कोड लेवल पे जो चेंजेस किए हैं, एक तो प्रिज्मा डॉट जे एस बनाई है, उसमें 2 लाइनें लिखी हैं, और वो उसने खुद ही दी थी मुझे यहाँ पे जब मैंने प्रिज्मा जनरेट की कमांड चलाई थी ना, तो उसने खुद ही ये कमांड दे दी थी। मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्या मॉडल टेबल एक डेटाबेस में एक से ज़्यादा ही होते हैं, तो जितने चाहें बना सकते हैं, फिर रेफरेंस भी कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ भी सकते हैं। हाँ, उसमें लहदा लहदा बनाते थे, लेकिन इसमें एक ही फाइल है, एक ही फाइल में जितने मर्जी मॉडल बना सकते हैं। ये सारा कुछ बस इसी फाइल में लिखा जाएगा, जितने भी आपके मॉडल हैं 10 हैं 15 हैं, सारे एक ही जगह लिखे जाएंगे। वहाँ पे हर एक कलेक्शन के लिए लहदा फाइल बना रहे थे, लहदा मॉडल बना रहे थे मोंगोज के केस में, लेकिन स्टेप वही है। अगर आप लोग देख रहे हो, हमें कनेक्शन बनाने के लिए ENV रख लिया, क्लाइंट बनाया उसका कनेक्शन वाला कन्फिग के अंदर, और स्कीमा उसके लिए मल्टीपल फाइलें बना रहे थे, इसके लिए एक ही फाइल बन गई। तो मतलब वो तो डिफरेंस हो सकता है। और स्कीमा कैसे डिफाइन करना है, डेफिनेटली उसमें टाइप्स वगैरह डिफरेंट तरीके से डिफाइन हो रही थी, इसमें डिफरेंट तरीके से हो रही है, तो इसको याद नहीं रखना है। मैं आपको सामने कोड कर रहा हूँ, और वो आपको मैंने ये बताया डेटा मॉडल रेफरेंस करके। इसमें हर तरह से उसने एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबल टाइप्स हैं, कैसे रिलेशन बन जाएंगे, हर चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया। यहीं से कोड कॉपी पेस्ट करके मॉडल्स बना लेंगे, क्योंकि तो मॉडल तो एक ही दफ़ा बनने हैं, यूज़र 10 12 टेबल हो जाएंगे मैक्सिमम एक ऐप में, वो सारे मॉडल हमारे जो हैं वो बन जाएंगे। अच्छा, मॉडल बनाने के बाद हमने इसको करना है यूज़। यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो क्रिएट करते हैं, मुझे क्रिएट वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए है फाइंड मेनी वाला। तो ये एक कमांड है जो सारे यूजर लेके आती है, इस मुझे सारे बिल लेके आने, कितना सिंपल सा है, फाइंड मेनी उसे सारा कुछ मिल जाएगा। जिस तरह उसका था फाइंड या फाइंड मेनी, सेम इसी तरह का यूज कर लेंगे हम। तो अब इसको मैं कहाँ पे यूज कर लूँ, इसको हमें कहाँ पे यूज करना पड़ेगा, मेन पेज डॉट जेएस
जेएस में, क्योंकि यहाँ पे हम कोड लिख रहे हैं, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, सर्वर साइड डेटाबेस के हैंडल वाला कोड लिख सकता हूँ कि या नहीं लिख सकता, क्योंकि ऊपर यूज क्लाइंट नहीं लगाया, तो मैं लिख सकता हूँ फेच बिल्स। मैं कोड लिख सकता हूँ, और उसमें कोड में क्या लिखूंगा, ट्राई कैच, और यहाँ पे सिंपली अवेट बिल्स और प्रिज्मा डॉट बिल्स डॉट फाइंड मैनी, और यहाँ से मैंने इसको रिटर्न कर देना है बिल्स को, और इस इन केस अगर एरर आता है तो एरर भी प्रिंट कराएंगे, और यहाँ से सिंपली ये वाले जो बिल्स आ रहे हैं ये मुझे मिल जाएंगे कांस्टेंट बिल्स अवेट फेच बिल्स, और डेफिनेटली इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिंक लगाना है, और ये बिल मैं सिंपली जो मैंने हार्ड कोड किया था डाटा उसकी जगह पे क्या कर दूं, बिल बना देता हूँ ये वाला। ये वाला बिल मैं इधर, ये जो डाटा हमने क्रिएट किया था इसको इधर रख लेते हैं फिलहाल के लिए, और ये बिल मैं पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स सी, सर्वर को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमने वो किया है उसको डेटाबेस से कनेक्ट वगैरह किया है, कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, और यहाँ पे मैं नल पॉइंटर भी लगा देता हूँ इन केस अगर वो एम्प्टी आता है तो। अच्छा जी, एम्प्टी आएगा क्यों वाला, क्यों, तो अभी तो कोई मैंने हमने बिल क्रिएट ही नहीं किया, तो इसका पता है हमें, इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, बिल क्रिएट करना पड़ेगा। तो बिल क्रिएट करने के लिए हमें ये वाला टेबल है, इससे हमें बिल क्रिएट करना है। तो बिल क्रिएट करने के लिए मैं डायरेक्टली, चूंकि यूज क्लाइंट यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी फॉर्म वाले उसके अंदर, तो मैं डायरेक्टली तो नहीं डेटाबेस का फंक्शन यूज कर सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एपीआई बनानी पड़ेगी। तो एपीआई कहाँ पे बनाऊंगा, यहाँ पे एक फोल्डर बना लूँ एपीआई का, और उसमें एक फोल्डर बना लूँ बिल्स का, और उस बिल्स के फोल्डर में एक फाइल बना लूँ राउट डॉट जेएस, और उसमें क्या कर लूँ एक्सपोर्ट कांस्टेंट, कौन सा मेथड बनेगा, पोस्ट का, एसिंक लगेगा, और उसमें मुझे क्या मिल जाएगी, रिक्वेस्ट, उसमें क्या लगाऊंगा, ट्राई कैच, एरर आने के केस में नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और मैसेज क्या दूंगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और क्या वेंट रॉन्ग हुआ है, जेसन डॉट एरर के अंदर भेज देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और उसमें डाल दूंगा मैं एरर, और इन केस अगर सक्सेस रहता है तो सबसे पहले हमें डाटा चाहिए, यानी कि बॉडी चाहिए, वो किस तरह मिलेगी, अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन से, और उसको यूज़ करते हुए मैं क्रिएट करूँगा रिकॉर्ड, और क्रिएट करने के लिए रिकॉर्ड मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, डॉट क्रिएट प्रिज्मा
और उसकी जगह पे मैं लगा दूंगा दिस वन, और इधर मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, प्रिज्मा डॉट बिल्स डॉट क्रिएट। डाटा के अंदर एक्चुअली मुझे क्या क्या पास करनी है चीज़ें, वो नेम की जगह पे क्या था, कंज्यूमर नंबर, और क्या था यूनिट्स, और क्या था एड्रेस, और क्या था, इसके अलावा भी कुछ था, स्टेटस, अच्छा अब ये मुझे कहाँ से मिलेंगी चीज़ें, बॉडी डॉट कंज्यूमर नंबर, बॉडी डॉट यूनिट्स, बॉडी डॉट एड्रेस और बॉडी डॉट स्टेटस। ठीक है, ये सारी मैंने यहाँ पे कंडीशंस लगा दी, सॉरी डाटा पास कर दिया है जो क्रिएट करेगा। जब सक्सेसफुली क्रिएट अगर हो गया तो मैं करूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसमें क्या मैसेज देंगे, सक्सेसफुली बिल जन क्रिएटेड। ठीक है, और ऑल गुड। बाकी इस पे वैलिडेशन लगा सकते हैं जोड़ के साथ कि डाटा ठीक आ रहा है या नहीं, अभी मैं नहीं लगा रहा, जस्ट रिस्पॉन्स मैंने सेंड कर दिया। तो इसको टेस्ट करें पहले किस तरह, पोस्टमैन से। तो पोस्टमैन से क्या करें, लोकल होस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई फॉरवर्ड स्लैश बिल्स, और डाटा जाएगा रॉ फॉर्मेट में और टाइप होगी जेसन, और क्या क्या डाटा होगा वो मैंने बिल वाले पेज में डाटा ऊपर रखा था, इसको ही कॉपी कर लेते हैं और पोस्टमैन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, यूनिट कंज्यूम, कंज्यूमर नंबर, एड्रेस और स्टेटस। अगर ये हो जाता है तो मैं सर्वर के ऊपर, अगर सक्सेस हो, बॉडी को कंसोल करा लेते हैं, और रिस्पॉन्स इसका क्या आएगा, एपीआई कॉल करने का, वो भी कंसोल करा लेते हैं। ठीक हो गया, आई थिंक सो, हमने सारा कुछ ठीक कर लिया है। एंड लेट्स हिट अ रिक्वेस्ट, तो इंटरनल सर्वर एरर रीजन इज दिस, हमने रिस्पॉन्स के साथ रिटर्न नहीं लगाए। तो रिटर्न भी लगाने चाहिए, लेकिन स्टिल इसका मतलब है कि डाटा क्रिएट हो जाना चाहिए, अगर रिस्पॉन्स स्टिल नहीं भी आ रहा तो। हम कनेक्ट करते हैं डीबी और वेरीफाई करते हैं कि डाटा हुआ है या नहीं क्रिएट। नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कोई एरर होगा। एरर क्या है, क्लाइंट वेरिएंट प्रिज्मा क्लाइंट वैलिडेशन एरर। वैलिडेशन एरर क्या है,
कोई चीज स्ट्रिंग होगी, कोई चीज वो होगी नंबर, और हम उसको स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो हमें टाइप चेक करनी पड़ेगी। मे बी स्टेटस की टाइप जो है वो बुलियन थी, ऐसे ही है ना? तो हम इधर से स्टेटस क्या भेज रहे हैं, पेड़, तो उसको हमें क्या भेजना चाहिए, फॉल्स या ट्रू? और इधर इसकी टाइप स्टेटस आ रहा है, नंबर आ रहा है, यूनिट आ रहा है, एड्रेस स्ट्रिंग है। प्रिज्मा इज नॉट डिफाइन, ये अभी आ रहा है? नहीं, अरे नहीं आया, क्योंकि ये अभी दोनों ऐसे आए हैं। स्टिल वो हमें रिस्पॉन्स बैक कर रहा है, नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ से नंबर भेजे, तो मे बी ठीक हो गया। और सेंड इट, बिल सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो अभी इसका मतलब है कि डाटा कहाँ पे होना चाहिए, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं, बिल्स की कलेक्शन आ गई है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कंज्यूमर नंबर आ गया, यूनिट्स आ गए, स्टेटस आ गया और एड्रेस आ गए, सही है? लेकिन अगर आप देखें तो कितना आसान है। कल और आज वाले कोड में क्या चेंज किया है हमने, सिर्फ ये प्रिज्मा डॉट मोंगोज की जगह, ये मतलब इधर जो प्रिज्मा डॉट बिल्स डॉट क्रिएट का फंक्शन यूज किया है, इसकी जगह पे मैंने मोंगोज डॉट क्रिएट का फंक्शन यूज किया था, क्योंकि लाइब्रेरी ओ आर एम डिफरेंट था। और उसके बाद बाकी कोड तो प्रिटी मच सेम है, हम क्लाइंट से डाटा ले रहे हैं, उसको DB में सेव करें डेटाशीट। और अब हमारा रीड करने वाला कोड भी चलना चाहिए, जो कि है फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि स्टिल नहीं चल रहा, तो उसका भी हमें एरर देखना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है जी, प्रिज्मा इज नॉट डिफाइन, हो सकता है कि पेज डॉट जेएस में हमने प्रिज्मा यूज किया लेकिन हमने इम्पोर्ट नहीं किया, तो हम प्रिज्मा को इम्पोर्ट कर लेते हैं और दोबारा हिट करते हैं रिक्वेस्ट, तो बिल आ गया। सही है, तो इसका मतलब मैं अगर एक और रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ से कंज्यूमर समथिंग चेंज करके, और यूनिट में भी 500, और स्टेटस रो सक्सेसफुली क्रिएटेड, इधर भी दो रिस्पॉन्स आ जाने चाहिए। दो रिस्पॉन्सेज आ गए, और हमारे यूआई में भी रिफ्रेश करने पे दो आ जाने चाहिए, सही? इसमें कोई इशू किसी को आ रहा हो? स्टेटस नहीं आ रहा, उसकी रीजन क्या है भला? हमने कंडीशन नहीं लगाई। विल लिस्ट में एक काम और करते हैं, उसको कहते हैं कि अल्लाह के बंदे इसको टेबल में कन्वर्ट करके दो, ताकि हमारे लिए कोई जिंदगी आसान हो जाए। हाँ, हमने तो कुछ कहा ही नहीं इसको। क्रिएट चेंज यूएल एलआई टू टेबल्स, और हम इम्पोर्ट वगैरह हमारे खराब हुए हों, कहाँ से कहाँ तक किए हैं?
टेबल, तो यूएल से लेके एक्सेल तो लेट सी हैं ये कैसा बन गया। नहीं इसने अब चेंज किए हैं क्लासेस तो ऊपर प्लेस करना, उधर बनाया हुआ है उसी में लगा देते हैं। स्टेटस के लिए क्या करना है, बिल डॉट स्टेटस अगर है तो पेड शो करो, एल्स नॉट पेड। और इसका क्लास भी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कलर इसका मजे का होना चाहिए ना। ये किधर ले जाता है मुझे, बैकग्राउंड कलर डॉट पेड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन नॉट पेड, बैकग्राउंड कलर रेड। तो हाँ, यहाँ पे मुझे अब ये करना पड़ेगा, कंडीशन लगानी है। अच्छा वो मैं एक लाइब्रेरी देख रहा था, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, CLCSX। ये लाइब्रेरी क्या करती है कि हमें जो कंडीशंस लगानी होती है ना CSS की, उसको बड़ा आसान कर देती है। इसके साथ थोड़ा कंडीशन लगा के देखते हैं। नहीं, मतलब ये और कंसेप्ट है, अगर मैंने कंडीशंस लगानी है ना, मैं अभी लगा के दिखाता हूँ। स्टाइलिंग पे कंडीशन लगानी है, अदरवाइज तो इफ इफ लगाने पड़ते हैं ना, इफ एल्स हाँ, लाइट थीम करना है, ये उसको इजी बना देता है। कैसे, हम अभी लगा के देखते हैं। CLX को इंपोर्ट करेंगे और अब मैंने इधर CSS अप्लाई करनी है ना, CSS ऐसे अप्लाई करनी है कंडीशन के साथ, तो मुझे खुद इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये CLX हमें हेल्प करेगा। कैसे, हम क्लास नेम के आगे लगाएंगे CLX और इसके अंदर इसको एक पाथ दे देंगे, और दूसरे पाथ के अंदर हम बोलेंगे कि अगर स्टाइल और पेड वाली क्लास आपने इस केस पे अप्लाई करनी है, अगर बिल डॉट स्टेटस अगर ट्रू है और
तो लेट्स सी अगर ये अप्लाई कर पा रहा है या नहीं। इसके सेंटेक्स का थोड़ा देखना पड़ेगा हमें इस केस में। एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है कि हम कंडीशन करने के लिए आपने कोई क्लास लगानी है उसके सामने ट्रू लगाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। लाइक इधर आप इसको फू को ट्रू किया, बार को फॉल्स आंसर प्रोड्यूस होता है तो ये बार को बीच में से निकाल देगा। बैज के आगे इसने इस ट्रू खुद से लगाया तो ये दो क्लासेस हमारे उस पर क्लास नेम के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे हैं, बाकी नहीं करेगा। जित जो फॉल्स होंगी ना जिनके कॉलन के आगे फॉल्स प्रोड्यूस होगा उनको ये ऐड नहीं करेगा। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है, मैनुअल कंडीशन लगाने से बेहतर हो जाता है। फंक्शन लगाना पड़ेगा, वो फंक्शन यही तो चीज़ आउटपुट के तौर पे प्रोड्यूस करेगा ना, जो भी हम स्टाइल देंगे उसको ये प्रोड्यूस करेगा फंक्शन। लेकिन है हाँ ये थोड़ा ज़्यादा वैसे कॉम्प्लेक्स कर रहा है, लेकिन इसमें ये लाइब्रेरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन मल्टीपल केसेस। तो अभी के लिए हम सिंपल सिंपल काम कर लेते हैं। दूसरा वे ये है हमने स्टाइल डॉट स्टेटस अगर बिल्कुल स्टेटस पेज है तो उसके आगे हम लगा देते हैं कि पेज प्रॉब्लम्स की कस्टम सीएसएस कर लेते हैं किसी के ज्यादा से मतलब गंदी बेसिस करके हम इस तरह से ऐसे है ना। उसके लिए गंदी बेसिस लगा देते हैं। इसका चलो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी उसके बाद अलाइन तो होना चाहिए क्योंकि हमने अब क्या यूज कर रहे हैं इसमें। टी आर टी डी 4 है। चलें आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ करना है, अभी सिंपल है। इसके ऊपर हम लगा के इसको, अब हमारे पास फेचिंग हो रही है डाटा की, हमने डाटा को क्रिएट करना है और फिर डिलीट और अपडेट करना है। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डाटा हमारे पास आ रहा है, जस्ट हमें एपीआई लगानी है। तो एपीआई लगाने के लिए हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कोड ले लेते हैं जावास्क्रिप्ट फेच का और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और ये कोड हम कहाँ पे लगाएंगे, क्रिएट बिल मॉडल डॉट जे एस एक्स हैंडल ऑन क्रिएट पे और यहाँ पे सिंपली ट्राई कैच लगा लेंगे। इसमें इन केस कोई एरर आता है तो एरर डिस्प्ले करा देंगे और यहाँ पे ये लग जाएगा और डेफिनेटली ये वाला कैच और ये देन हमें नहीं चाहिए, हमें ये वेट लगाना है साथ। तो फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा
ठीक है, ये मैंने एपीआई कॉल कर दिया सारा मेथड वगैरह लगा के। अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो अलर्ट दिखा देंगे। और यूनिट्स की जगह पे पार्स इंट और उसमें डाल देंगे यूनिट्स और कंज्यूमर के पास कंज्यूमर नंबर, एड्रेस में एड्रेस, स्टेटस में स्टेटस, पर उसकी टाइप चेंज हो जाएगी ना। हम फॉल्स रख लेते हैं बाय डिफॉल्ट। तो अभी सिंपली रिफ्रेश करते हैं, क्रिएट मॉडल, कंज्यूमर नंबर ABC2020, यूनिट 230, एड्रेस ABC और स्टेटस फॉल्स। सक्सेसफुली डाटा क्रिएटेड। रिफ्रेश करेंगे तो ABC वाला भी सही है। अगर ट्रू करते तो पेड़ आता है। रियल टाइम डाटा लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? रियल टाइम डाटा लेना हो तो फिर इसको क्लाइंट साइड बनाना पड़ेगा, यूज क्लाइंट यूज करना पड़ेगा, एपीआई यूज करनी पड़ेगी, और फिर उसके रिस्पांस में जो कुछ आ रहा है उसकी स्टेट, फिर स्टेट से मैनेज होगा ना, फिर जैसे चेंज होगा फिर स्टेट से टैकल होगा। और रिफ्रेश भी करते हैं तो वो पेज भी तो रिफ्रेश होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा उससे। लेकिन मैं तो ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये SEO के साथ आए, तो अभी ये पेज SEO के साथ रेंडर हो रहा है। तो बिल ऐप हो रहा है, बिल क्रिएट हो रहा है, बिल की लिस्ट बन रही है एंड बिल शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब आप दो और लगा सकते हैं ऑप्शन, वन इज अपडेट और सेकंड इज डिलीट। तो वो उससे भी हमारा जो है वो फर्दर इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अपडेट के लिए क्या फंक्शन का नाम है इसका? वेट प्रिज्मा डॉट पो प्रिज्मा डॉट बिल्स फॉरवर्ड स्लैश अपडेट सॉरी डॉट अपडेट। आईडी नंबर क्या है जिसको अपडेट करना है और डाटा क्या है जिसको अपडेट करना है, जस्ट लाइक हम स्टेटस को ट्रू करें या पब्लिश को ट्रू करें। तो इसको एपीआई में चलाएंगे तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, जिस तरह कल हमने किया था, प्रिटी मच सेम है। बस उस वाली एपीआई के अंदर, पुट के अंदर हमारा ये वाला कोड लग जाएगा। तो अगर मैं राउट में जाता हूँ इसकी जगह पे हम करेंगे पुट, और ये वाला कोड चलाएंगे इसकी जगह पे, और आईडी कहाँ से आएगी? बॉडी डॉट, अगर हम बॉडी में डाटा भेज रहे हैं, और क्या चीज़ अपडेट करनी है, मे बी स्टेटस अपडेट करना है, तो वो बॉडी डॉट स्टेटस पीछे से आ जाएगा, बाकी सब सेम ही है। डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डॉट डिलीट और आई वेयर में आईडी देंगे बस। इस तरह पोस्ट डॉट अपडेट किया, डॉट क्या आ जाएगा, सॉरी बिल्ड डॉट, इधर बिल्ड भी करना पड़ेगा, डिलीट आ जाएगा उसमें, फिर वेयर देंगे, डाटा देने की ज़रूरत नहीं है।
बिल डॉट अपडेट। अगर एक से ज्यादा अपडेट करने हैं, अपडेट मैनी, वन करना है तो, अगर क्रिएट करना है वन तो क्रिएट वन, या क्रिएट, या एक से ज्यादा क्रिएट करने हैं तो क्रिएट मैनी, अपडेट करने हैं तो अपडेट मैनी, और डिलीट करने हैं तो सिंपल डिलीट, डिलीट मैनी करने हैं तो डिलीट मैनी, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट डिलीट कर देंगे। इजी है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं। हाँ जी, अगर वो मैं क्यों कह रहा था, अगर आप लोग देखो ना, ये जो कोड है ना, ये वाला अपडेट और ये सेम ही रहता है हर डेटाबेस में, सेम ही है, इसमें चेंज नहीं करना पड़ता हमें। डाटा ऐड करना है, डिलीट करना, अपडेट, वो फंक्शन सेम ही है प्रिज्मा के अंदर। तो जैसे आपने चेंजेस कहाँ किस लेवल पे लेके आनी है, प्रिज्मा के अंदर, स्कीमा के अंदर प्रोवाइडर को क्या कर देना है, पोस्टग्रेस, और फिर ईएनवी भी चेंज करने हैं, पोस्टग्रेस, फिर ईएनवी भी चेंज करना है, उसका ईएनवी यूज होगा ना कनेक्शन बनाने के लिए, और बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। फिर वो उससे कनेक्शन बनाने लग जाएगा जो नई डेटाबेस आप दो। अब आप लोगों का टारगेट क्या है कि अगर हमें ड्रिजल को इंप्लीमेंट करना हो तो फिर क्या होगा, ड्रिजल ओआरएम को फिर क्या होगा कि एक तो कन्फिग फाइल चेंज, उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, देखेंगे कि स्कीमा कैसे बनता है, और फिर उसके फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ऐड, डिलीट, अपडेट, और वो क्रड कैसे अप्लाई होगा, और क्या देखेंगे, कनेक्शन कैसे बनेंगे, बस ये चीजें, स्कीमा, कनेक्शन और फंक्शन कौन से यूज होंगे, बाकी तो कंसेप्ट प्रिटी मच सेम है। इसी तरह सुपर बेस यूज करनी हो तो सेम ही चीज है, सही है। तो अब आप लोग इस वीक आप लोग या तो प्रिज्मा यूज कर लें, या फिर आप लोग जो है वो मोंगो डीबी यूज कर लें, सॉरी ड्रिजल यूज कर लें, और आप लोग एप्लीकेशन बनाएं इस तरह की, प्रिज्मा यूज कर लें और एप्लीकेशन बनाएं, ये बिल वाली बना लें, या फिर कोई कोई अच्छी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट वीक, अच्छा जी, ये एक मैंने ओपन किया है, गिटअप जैसी ऐप बना लें,
या ये वाला टेबल क्रिएट कर लें, इसमें क्रिएट कॉन्टेक्ट होगा, उसमें ये इनपुट हो जाएंगी चीज़ें, इधर लिस्ट हो जाएंगी, एडिट हो जाएंगी और डिलीट हो जाएंगी। डेटाबेस कोई भी हो, चाहे मोंगोडीबी है या फायर स्टोर है या पोस्टग्रेस एसक्यूएल है या कोई भी डेटाबेस है, हम इमेज डेटाबेस में सेव नहीं करते। तो इमेज कैसे सेव करते हैं? इमेज के लिए डिफरेंट स्टोरेज सर्विसेज होती हैं, या वीडियोस के लिए, जस्ट लाइक S3। S3 सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरेज सर्विस है अमेज़न की। फिर फायर बेस की स्टोरेज सर्विस जो है वो भी फेमस है। फिर जो है क्लाउड रनरी, गूगल क्लाउड की भी स्टोरेज होती है। वो फायरबेस स्टोरेज और गूगल क्लाउड स्टोरेज एक ही बात है ना? अच्छा, ये फ्लो रहता है। अब ये फ्लो चलता कैसे है इसके अंदर? इसमें जो चीज़ हम फॉलो करते हैं ना, वो इस फ्लो में फॉलो करते हैं कि आप लोग क्लाइंट से, यूज़र से इमेज लेंगे ना, पिक्चर या इमेज या वीडियो जो भी लेंगे, उसको आपने इमेज या वीडियो या ऑडियो जो भी आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो, नॉर्मली हमारा फ्लो क्या रहता है, हम क्लाइंट से ही, यानी कि हमारे केस में क्लाइंट क्या होगा, नेक्स्ट जेएस का कोड ही, जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं रिएक्ट का कंपोनेंट, नेक्स्ट जेएस, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट जो भी होगा, उधर से हम डायरेक्टली सर्विस में अपलोड कर देंगे इमेज। सर्विस अब कोई भी हो सकती है, वो रिस्पॉन्स में हमें देगी यूआरएल। उस यूआरएल को आप देखो, हमने भी कितनी कीज भेजी हैं, तीन चार भेजी हैं ना, उसमें एक और की भेजेंगे यूआरएल, उसमें जो यूआरएल आएगा वो साथ भेज देंगे। हैं? स्टोरी नहीं, नॉर्मली नॉर्मली क्या होता है, यूजर जब फॉर्म फिल कर रहा होता है ना, तो फॉर्म ऐसे होते हैं यूजर के लिए कि लाइक लंबा सारा फॉर्म है, तो इनपुट पिक्चर्स आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, फिर कुछ और डाटा भी अपलोड करना है, वो जैसे इमेज चूज करते हैं हम वैसे ही फायर कर देते हैं रिक्वेस्ट अपलोडिंग की, स्टोर हो जाती है, बाकी यूजर अभी डाटा फिल कर रहा होता है, तो जब वो सारा फिल करके क्लिक करता है, इतनी देर में हमारे पास यूआरएल आ चुका होता है। अगर नहीं आता हो, फिर हम थोड़ा सा लोडर दिखा देते हैं कि थोड़ा काम हो रहा है। हम भी डेटाबेस में यूआरएल सेव होता है, तो इसका मतलब जैसे हमारे पास ये रिकॉर्ड सेव हो रहा है, अगर हमें बिल की इमेज भी सेव करनी है, तो हम एक और इसमें रखेंगे, एक और इमेज रख देंगे एक और की रखेंगे यूआरएल, और उसके अंदर हम यूआरएल सेव कर देंगे पूरा HTTPS और समथिंग ऐसे। नहीं, क्लाउड स्टोरेज खत्म नहीं होता ना बहुत, वो तो अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, कैसे खत्म हो सकती है? नहीं खत्म हो सकती है। सही है। अब किसी भी स्टोरेज का आपने कोड लेना है फाइल अपलोड करने वाला, तो ChatGPT जिंदाबाद, उसको बोल देंगे नेक्स्ट JS कौन से क्लाउड पे भेजें, क्लाउडनरी पे, क्लाउडनरी इमेज अपलोड कोड, लाइब्रेरी इंस्टॉल की उसकी कॉन्फ़िगरेशन वो बता रहा है, और ये वाली रिक्वेस्ट उसने क्रिएट कर दी है, उसको बोलते हैं क्लाइंट साइड कोड। अभी हम जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें अभी इतना कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसकी SPU मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर एसक्यू का वैसे ही पोर्शन अलग भी उन्होंने दिया हुआ है ना कि आपने एसक्यू के लिए क्या करना है, क्या बेहतर करने के लिए क्या, मतलब कि आप सिंपल वेबसाइट बना सकते हैं अभी अगर ने एसक्यू मैक्सिमाइज कर। नहीं, ऐसा नहीं है, करेंगे तो वो होम पेज पे लगना चाहिए।
ये फाइल है नहीं, अगर देखो जो तो क्लाइंट वाली एप्लीकेशन है ना जिसमें एसईओ इन्वॉल्व है, वहां तो रिडक्स यूज कर सकते हैं नेक्स्ट में भी। नेक्स्ट का मसला ये है कि जैसे इसका प्रोवाइडर लगते हैं ना रूट लेवल पे, कि इस एप्लीकेशन, क्योंकि वो तो सबके लिए जेनेरिक बनाता है ना स्टोर, तो वो उसके चाइल्ड जितनी भी फाइलें होती हैं सबको क्लाइंट साइड बना देता है। यानी कि अगर रिडक्स लगाई है तो हमें रूट लेवल ऐप डॉट एसक्यूएल लेआउट के अंदर जाके यूज क्लाइंट लगा देना है, तो सब क्लाइंट बन जाएगा। तो ये इस वजह से हम रिडक्स नहीं यूज कर रहे। तो अब ये इसने फाइल दे दी है सारी चीजें अपलोड करके, ये डाउनलोड यूआरएल देखो कंसोल करा रहा है। इस यूआरएल को मैं फर्दर अपने डाटा के साथ भेज दूंगा। स्टोरेज में क्यों डाउनलोड क्यों हो जाएगी, सेव हो गई ना, यूआरएल मुझे मिल गया, वो मैंने सेव कर दिया। अब मैंने उस पिक्चर को शो करना है तो क्या करूंगा मैं, इमेज के अंदर जिधर सोर्स आता है उधर यूआरएल लगा दूंगा। क्योंकि देखो यूआरएल चाहे लोकल फाइल का, मैं मतलब इमेज मैंने लगानी है कोई, चाहे मैं लोकल का यूआरएल दूं या कोई डिप्लॉयड यूआरएल दे दूं, बात तो एक ही है ना। प्रिंट हो जाती है वो, फिर वो स्टोरेज से लेके उधर यूआरएल लेके इमेज का टैग लगाता है ना उसमें, फिर इमेज शो हो जाती है। आप लोग इस वीक वो ट्राई किए करें ना, फायरबेस स्टोरेज यूज कर लें और फाइल अपलोड करके जो यूआरएल आता है वापस उसको फिर मोंगोडीबी में सेंड करें। क्योंकि जो डेटाबेस स्टोरेज है ये एक्चुअल डेटा स्टोरेज नहीं है, मतलब इनमें फाइल स्टोरेज नहीं है प्रोवाइड करते, फाइल के लिए डिफरेंट स्टोरेज होती हैं, ये जस्ट डाटा स्टोरेज है, टेक्स्ट स्टोरेज है, जस्ट स्टोरेज। तो जो फाइल वाले डाटा सेट हैं ऑडियो वीडियो इमेजेस, वो हम S3 सबसे फेमस है, सब लोग इसको यूज कराते हैं, सही है। उसके अलावा फिर फायरबेस स्टोरेज भी कुछ लोग यूज कर लेते हैं, फिर क्लाउड रनिंग भी करते हैं, फिर और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, प्लंटी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज हैं, जो क्लाइंट जो कहता है वो लगा देते हैं।